अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समूह का ढाबा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की एक स्पेशल और चीज़ जो बनाते हैं और सभी पसंद करते हैं, मूली वाले पराठे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या लिया। दो मैंने मूलियाँ ली थी, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया, ग्रेट कर लिया, ठीक है, ये देखें। उसके बाद मैंने दो सब्ज मिर्चें लेके उनको चॉप कर लिया है और दो टेबलस्पून मैंने सब्ज धनिया लिया है। इसमें जो मसाले ऐड होंगे उसमें 3/4 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हमारे पास अजवाइन, 1/2 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हमारे पास मैंने ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं इसमें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास कलवंजी है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारे मसाले इसमें मूली में ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। उसके बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर बिस्मिल्लाह इसको मिक्स करके फिर इसके पराठे बनाऊंगी और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब मैं इसके पराठे बनाना स्टार्ट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने पेड़े करके रख लिए हैं। मैं दो किस्म के बनाऊंगी, एक जो है वो ऐसे दो पेड़ों के बीच में रख के बनाऊंगी और एक जो है दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो एक पेड़ा बना के जो ये लोग अक्सर तंदूर में भी लगाते हैं उस हिसाब उस तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ये देखें, एक तरीका ये है, इसको थोड़ा थोड़ा पेड़ों को बेल कर और इसके अंदर हम रखेंगे इसका मिक्सचर। अच्छी तरह इसको सारी साइड्स पे स्प्रेड करना, थोड़ा सा ऑयल मैं इसके वैसे नीचे लगाना था, भूल गई, इसके ऊपर लगा देती हूँ। इसको हम रखेंगे इसके ऊपर और इसके किनारों को ऐसे हाथों से अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये एक तो सारी साइड्स पर ये स्प्रेड भी हो जाए और किनारे भी इसके अच्छे से पक जाए। अब इसको थोड़ा सा बेल कर और फिर मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। ये जितना पतला होगा ना, बस नॉर्मल साइज की पेड़े लेने आप लोगों ने, ठीक है। और जब जिस तरीके से मैंने किया ना, इससे क्या होता है कि फिलिंग जो है ना वो किनारों पर भी चली जाती है और ये खाने में भी बहुत मजे के होते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ना हल्की आंच पर ही इसको ब्राउन करना चाहिए, जरा अच्छी तरह ये पक जाए ऐसे हल्का सा दबा के, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, ये मैं आप डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, दूसरा तरीका ये है, ऐसे थोड़ा बड़ा सा पेड़ा लेके उसको इस तरह ऑयल लगाऊंगी और फिर इसके अंदर इसमें फिलिंग करेंगे। देखिए इसको अब हमने पकड़ लेना है इस तरह हाथ में और इसके किनारे आपस में ये देखिए, ये इसका ऊपर से ऐसे मुंह पूजेगा पानी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है, बड़े मजे का होता है।
अब इसको मैं बेल लूंगी। इससे पता क्या होता है, थोड़ा सा जो क्योंकि मूली का पानी होता है ना वो थोड़ा सा निकल भी आता है, जैसे हम इसको बंद कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ये बहुत बड़ा नहीं बनाया मैंने। ये देखें कितना शानदार पराठा तैयार हो गया है, बहुत ही मजे का लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये दो ये मैंने बेल लिया था, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी हल्का सा ऑयल। इसके ऊपर मैं डालूंगी मूली का मिक्सचर। बस ये मूली को अच्छा सा नुचड़ा हुआ होना चाहिए, वरना ये आपको पता है पानी छोड़ देती है फौरन। और वैसे भी जब इसमें नमक ऐड कर देते ना फिर तो जल्दी ही छोड़ देती है। अब जो दूसरा बेला हुआ है वो मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके किनारे ऐसे दबा दूंगी। हल्का सा इसके ऊपर खुशका लगा के इसको लेके हल्का सा बेलेंगे। इस तरीके से ना फटता नहीं है, वो जो दूसरा वाला तरीका ना उसमें क्योंकि हमें जरा थोड़ा ज्यादा उसको फैलाना पड़ता है तो इस वजह से वो थोड़ा सा फट भी सकता है। ठीक है, आलू का जो आलू के पराठे होते हैं उसमें वो वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन जो मूली के पराठे होते हैं उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब मैं ये इसको डाल दूंगी, साथ साथ मैं अपना ट्राइपॉड भी लेकर जा रही हूँ ताकि ना आपको सही तरह नजर आ सके। चलिए बस इसको बनाऊंगी जल्दी से। आप लोगों की भी कोई अगर फरमाइश है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं वही आप लोगों के लिए बनाऊं। बच्चे तो ज़्यादा उनको चिकन की चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें मिक्स बना रही हूँ। ठीक है, ये भी बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये तैयार हो गया है और मैं अब इसको उतार दूँगी। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर घी नहीं लगा रही, ठीक है ना, बस इतना ही जितना ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। ठीक है, अच्छा एक और तरीका ये भी होता है कि कुछ लोग ना ये जो मूली के अंदर सारी चीज़ें डाल के कद्दूकस करने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं उसका पानी। वो जब ड्राई कर लेते हैं तो वो आप ऐसे एक कंटेनर में डालकर आप उसको फ्रिज या फ्रीजर में भी रख सकते हैं, तो जब आपका दिल चाहे आप फ्रीजर से निकालें और उसको डिफ्रॉस्ट करें और फिर आप पराठों में फिल करके बना सकते हैं। लेकिन जो ये वाला तरीका है इसका यही है कि इसको आप उसी वक्त मूलियों को कद्दूकस करेंगे और आप उसी वक्त उसको फिल करके पराठे जो है वो आप बना लेंगे। ये भी बहुत मज़े का होता है, हमारे घर में यूजली यही तरीका होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। ये देखें मज़ेदार मूली के पराठे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसकी रेसिपी आपने ज़रूर अपने घर वालों को बना के ज़रूर टेस्ट करानी है कि उनको कैसे लगे हैं, और आपने मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको ये सब कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।